श्री देवेंद्र को पैरा एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2017 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री देवेंद्र, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग में 72 में किया था, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे 1975 में ये शिव छत्रपति अवार्ड दिया महाराष्ट्र राज्य ने। ये अपंग के लिए पहला अवार्ड था। मैं सांगली जिला इस्लामपुर, वहां मेरा जन्म हुआ। तो उधर से निकलकर मैं पांचवी पढ़ा था, पुणे में आ गया। जो पप्पा थी ना, मेरे पिताजी की बहन, उनका सिर्फ नाम और पत्ता मालूम था। तो बोला अभी क्या काम करेगा इसी स्कूल। तो उधर अपना पुणे में मिलिट्री का भर्ती चालू था। उस टाइम कोई ऐसा सर्टिफिकेट भर्ती के लिए पैसा कोई पूछता देता है? गया तो मेरा बॉडी भी अच्छा था, सब टेस्ट किया, फिटे फिटे। तो उसके बाद बॉयज बटालियन वाले ने, ये आपका लड़का इधर पुणे में बेंगलोर में है कर गया, तो बेंगलोर से मेरा उधर बॉयज बटालियन खत्म हो गया। तो दूसरे दिन से हॉकी के लिए उधर राम राम किया और ये शुरू कर दिया। मैंने बॉक्सिंग खेलने के लिए गया, मैं मारता था तो मेरे को छोटू टाइगर बोलकर पूरा बेंगलोर में अभी भी पहचानते। अलसुर भाग में जाएंगे बॉक्सर कौन था तो छोटू टाइगर मुरलीकांत पेटकर बोलते थे। जापान में जो अच्छा बॉक्सिंग कर वगैरह सब आया। तो बाद में मेरा एमी कोर ने मुझे, इतना अच्छा तुमने बॉक्सिंग वगैरह कर रिकॉर्ड किए, आप अभी क्या बनते हैं? तो मेरे को काश्मीर देखने, सब बोलते थे इंग्लैंड अमेरिका देखकर काश्मीर देखने के बोलकर चले। तो काश्मीर देखने के लिए 65 लाख लड़ाई के वार में उधर मुझे भेज दिया। एक दिन दोपहर में ऐसा टाइम आ गया कि एकदम जोर जोर से सीटी बजा, प्लेन आ गया, अटैक, तुम्हारे ऊपर अटैक आ गया। मैं अभी बंकर में था तो उधर ऐसे बज गया। तो लड़ाई में मार चालू था गोली, तो ऊपर से एक दफा एक गोली ऐसा लग गया था रेल हड्डी में, ऊपर से प्लेन का अटैक, ऊपर से पहाड़ी से, ऊपर से नीचे गया, ऊपर से गाड़ी चला गया। गाड़ी चलाने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं मना। दिल्ली में क्या पूछा था, आपको क्या चाहिए? मैं बोला दिल्ली में, बोला कि मेरा घर महाराष्ट्र में है, तो मुझे इधर महाराष्ट्र में मुंबई INS आश्रम में ट्रांसफर कर। तो उन्होंने मुझे INS आश्रम में ट्रांसफर कर दिया। अश्विनी हॉस्पिटल में GRD टाटा, सब टाटा ग्रुप आया था। तो उन लोगों ने सबको पूछ कराया, आपको क्या चाहिए? किसी ने बोला मेरे को चक्की का आटा का गिरन खोल कर दिया, किसी ने बोला मेरे साइकिल का दुकान ले कर। तो मेरे उधर नंबर आया, तुमको क्या चाहिए? मुझे सब आपका टेलको में जॉब चाहिए, मैं काम कर वैसा ना हूँ, मेरे को ऐसा पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अश्विनी हॉस्पिटल में रहता था, तो अश्विनी हॉस्पिटल में क्या INS जो कैंप है उधर, उनका वो स्विमिंग पूल वगैरह, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट में रोज जाता था एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो मेरा अगर लग देखो कि वो नेशनल टीम उधर प्रैक्टिस कर रही थी नेशनल जाने के लिए, नेवी का टीम था, तो उधर जाकर डेली प्रैक्टिस किया। विजय मार्चेंट ने मुझे स्विमिंग जो टीम, जो इंडिया की टीम है, इंटरनेशनल गेम ये करने के लिए ट्राई किया। तो उसमें 68 में इंटरनेशनल में स्विमिंग में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में 71 में, उसमें भी गोल्ड वगैरह, उधर कॉमनवेल्थ गेम में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया।
तो वही रिकॉर्ड 1972 में जर्मन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर नाम है। अच्छा, जो अभी तक है 1972 में जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अभी तक कोई तोड़ा नहीं। और सबसे बुरा क्या लगता है, अभी आपने मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, अभी आप दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो मैं मेरे को अर्जुन अवार्ड दे को मैं भीख मांगने का गया नहीं। अभी वो गवर्नमेंट का क्या रूल है कि तुम एप्लीकेशन भरो, तुम ये सब लिख के दो, तुम ट्रेटी दे दो, पुलिस वेरिफिकेशन। अरे वो क्या जरूरत, मैंने गोल्ड मेडल लिया है ना ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, सब कुछ है। और आपको सब मालूम, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हम लोग को कुछ देता नहीं, गवर्नमेंट में आकर मेरे को पूछना चाहिए ना, मैं क्यों जाना। इसके लिए मैं कभी नहीं गया। सरकार ने कैसे मेरे साथ जो अन्याय हुआ तो उसके साथ वो अन्याय नहीं हुआ, ये मेरे को खुशी है। क्योंकि मेरे को नहीं दिया रिकॉर्ड मैं नाराज नहीं, मैंने भी उसके अच्छा रिकॉर्ड वगैरह किया। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले टाइम उसका जो किया कदर किया, इसके लिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत आदमी क्या बोलते हैं, दुनिया में क्या तीन चाहिए, एक नाम अच्छा चाहिए नहीं तो बुरा, तो आपको पहचानेंगे नहीं तो आपको कौन पहचानेंगे। तो दुनिया में नाम अच्छा हो गया, दुनिया घूम लिया, सब पैसा खींचे, सब खोए। और क्या आदमी लोगों को संदेश में के हैप्पीनेस द बेस्ट है, तुम खुद खुशी से कुछ ये करेंगे उसमें हैप्पी रहना चाहिए।